तो मैं इस निवेदन के साथ, वो मेरे बड़े भी हैं, मेरे गुरु के बेटे भी हैं और विद्वान भी हैं, आप साहित्य वर्तमान साहित्य के सह संपादक हैं और उसका सारी कार्य सारा कार्य आप स्वयं करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा भाई डॉक्टर आर्य शुक्ला जी से कि वो अपने विचार प्रकट करें दक्षिणी पर। तत्सम शब्दावली संस्कृत की मिल जाती है, मराठी के शब्द भी मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, खड़ी बोली, पंजाबी, हरियाणवी, ब्रज, अरबी, फारसी शब्द की संपदा जिसमें समाहित हो। कल एक व्याख्यान, कल यहाँ व्याख्यान हुए और दक्षिणी पर हरियाणवी, पंजाबी का प्रभाव, मराठी का प्रभाव, तो ये जो वर्चस्ववादी हमारा दृष्टिकोण है कि हम तत्काल भाषाओं पर प्रभाव देख लेते हैं, भाषाओं पर प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी विनम्र निवेदन है, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन भाषाओं पर प्रभाव नहीं पड़ता है। भाषाएं शब्दों को ग्रहण करती हैं और जब लोक संवाद होता है तो सहज रूप से जब विभिन्न क्षेत्रों के लोग, विभिन्न प्रांतों के लोग मिलते हैं तो वे अपने संवाद स्थापित करने में अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अपनी बात को स्पष्टतापूर्वक व्यक्त करने के लिए करते हैं, और हम उसे अगर प्रभाव मान लें तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई भाषा ऐसी है जो बड़ी दुर्बल है, दूसरे के प्रभाव में बड़ी भाषा से कुछ ग्रहण कर रही है और वो अपना अस्तित्व बना रही है। ऐसा नहीं होता। वाका पहले विद्वानों ने कहा है कि वो बहता पानी है, तो जाहिर है कि बहता पानी तो अलग अलग स्थान से अलग अलग रंग ग्रहण करता है, और दूसरी बात यह है कि विकास को रोक, एक शुद्धतावादी दृष्टिकोण किसी भी भाषा के विकास को रोक देता है। संस्कृत का उदाहरण हमारे सामने है कि इतनी शुद्धता उस पर अपनाई गई कि वो मृत भाषा हो गई आज। दूसरी बात यह है कि दक्षिणी लोक भाषा थी, राजभाषा थी और काव्य भाषा थी। इसी के पैरेलल ब्रजभाषा को भी आप देख सकते हैं कि एक ज़माने में ब्रजभाषा काव्य भाषा थी, पूरा मध्यकाल में ब्रजभाषा में रचना हुई, और आज स्थिति यह है कि बहुत छोटे क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली जाती है और उसमें बातचीत, जो पढ़ा लिखा आदमी है और थोड़ा भी अपने वर्ग के प्रति जागरूक है तो वो ब्रजभाषा में बात करने में समझता है कि ये बेपढ़े लिखों की, अशिक्षितों की भाषा है। और मैं समझता हूँ कि यही बात दक्षिणी के साथ भी हो रही है कि आज लोक भाषा है, दक्षिणी राजभाषा भी थी, काव्य भाषा भी थी और आज लोक भाषा है, तो वो लोक भाषा सिमट के रह गई है। और सवाल, हम ये ऐसा स्वप्न नहीं देख सकते कि दक्षिणी फिर से राजभाषा भी हो जाएगी और वो काव्य भाषा भी होगी। हमें इसके संरक्षण की जरूरत है और ये सारा आयास प्रयास जो भी हम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसके संरक्षण के लिए है। तो मैं अपने मूल बात पर आता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हम इतना मोह है हमें दक्षिणी के प्रति, मैं बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो मराठी के कवि हैं, तुकाराम हों या एकनाथ हों, और उधर जो अपभ्रंश के कवि हैं, पुष्पदंत हैं या कंडपा हैं, हम उनको भी दक्षिणी में शामिल कर रहे हैं। ये अतिरिक्त मोह है, मैं समझता हूँ दक्षिणी के प्रति, आप इससे सहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा विनम्र विचार है। मैं अपने निज़ामशाही पर आता हूँ और निज़ामशाही में एक कवि हमको मिलते हैं, शाह अशरफ, और क्षमा कीजिए, और अकेले डॉक्टर श्रीराम शर्मा जी ने भी शाह अशरफ को और पांचाल जी ने भी शाह अशरफ को निज़ामशाही का कवि माना है। अशरफ बयाबानी के नाम से थे, उनके उस्ताद थे जहाउद्दीन बयाबानी, और ये कहा जाता है कि चूंकि वो कुछ अल्लाह वाले आदमी थे तो वन में, जंगल में रहते थे, तो उनका तखल्लुस भी हो गया बयाबानी, अशरफ, शाह अशरफ बयाबानी, तो शेख अशरफ थे उनका नाम, और शाह अशरफ के रूप में उल्लेख किया है पांचाल जी ने। तो वो बयाबानी थे और उनके बारे में ये था कि अशरफ बयाबानी, खाने को रोटी और पीने को पानी, भूखे को रोटी और पानी,
ये उनके बारे में कहा जाता था। और जैसा कि आप हुसैन निज़ाम शाही के स्थापना से भी परिचित हैं, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से पढ़ देता हूँ, समय सीमा है अध्यक्ष जी के आदेश से। सन 1994 में बहमनी शासन के पतन के बाद बीजापुर में 1990 में आदिलशाही वंश की स्थापना हुई। इसके अलावा सन 1481 तथा सन 1490 में बरीदशाही तथा निज़ामशाही वंश की स्थापना हुई। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, ज़्यादातर लोगों को मालूम है। 1510 में गोलकुंडा में कुतुबुल मुल्क ने कुतुबशाही की स्थापना की। इस प्रकार निज़ामशाही, बरीदशाही, आदिलशाही और कुतुबशाही चार शासनों की स्थापना लगभग एक समय में हुई। मुख्यतः आदिलशाही शासन और कुतुबशाही शासन के दौरान प्रभुत मात्रा में साहित्य सृजन हुआ। बरीदशाही शासन और निज़ामशाही शासन में चूंकि ये प्रायः युद्धरत रहे और उन्हें इतना समय नहीं था कि वो साहित्य, कला और संस्कृति के प्रति कुछ जागरूक होते, तो उसमें हमको सिर्फ शाह अशरफ एक ऐसे कवि मिलते हैं जिन्होंने मसनवी शैली में एक मरसिया लिखा। मसनवी शैली प्रायः प्रेमाख्यान या घटना प्रधान वर्णन के लिए प्रयोग की जाती है और उसमें मरसिया प्रायः नहीं लिखा जाता, ये कवि की मर्जी है। पांचाल जी ने उसको कहा है कि मसनवी शैली में मरसिया लिखा गया। तो और उसके अलावा जो डॉक्टर श्रीराम जी शर्मा ने और पांचाल जी ने भी सिर्फ शाह अशरफ को निज़ामशाही कालीन कवि माना है। उर्दू के कुछ विद्वानों ने, मेरी अभी अम्बेकर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि उर्दू के कुछ विद्वान ने जो हसन शौकी को भी निज़ामशाही का ही कवि मानते हैं। इसके कारण पांचाल जी ज़्यादा स्पष्ट कर सकेंगे। पांचाल जी ने अपनी जो नई पुस्तक आई है दक्षिणी हिंदी काव्य संचयन में दक्षिणी का काल विभाजन भी किया है और उन्होंने राहुल सांख्यांतन जी और जोर जी के जो काल विभाजन को उस पर विचार करते हुए अपना काल विभाजन दिया है और उसको तीन भागों में उन्होंने विभक्त किया है। प्रारंभिक काल 1300 से लेकर 1490 तक और मध्यकाल 1491 से लेकर 1687 ईस्वी तक और उत्तरकाल 1687 से 1850 तक। आदिलशाही, बरीदशाही, निज़ामशाही तथा कुतुबशाही शासन रचनाएं मध्यकाल के अंतर्गत आती हैं। डॉक्टर पांचाल साहित्य की प्रौढ़ता, विविधता और लोकप्रियता की दृष्टि से मध्यकाल को दक्षिणी साहित्य का स्वर्णयुग मानते हैं। हिंदी साहित्य का जो भक्तिकाल है वो भी स्वर्णयुग है और ये संयोग है कि जो दक्षिणी का मध्यकाल है वो भी स्वर्णयुग है अपने रचना की दृष्टि से। डॉक्टर श्रीराम शर्मा ने निज़ामशाही के जिन 9 सुल्तानों का की शासनावधि का विवरण दिया है, वो 9 सुल्तान हैं, उनका 1490 से लेकर 1633 तक उन्होंने उसमें कुछ प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुए हैं उनका विवरण है। सन 33 में मुगलों की सेना ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया और समूचा राज्य मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार 143 वर्ष शासन करने के बाद निज़ामशाही का अंत हो गया। निज़ामशाही के सुल्तानों में को प्रायः युद्ध और संघर्षरत रहना पड़ा, अतः इनको शासनकाल में साहित्य और कला का अपेक्षित विकास नहीं हो सका, ये डॉक्टर पांचाल जी की मान्यता है। निज़ामशाही के शासन के दौरान शाह अशरफ का समय सुल्तान बुरहान निज़ाम शाह के शासन का युग था। बुरहान निज़ाम शाह का समय डॉक्टर श्रीराम शर्मा ने 1509 से लेकर 1553 ईस्वी तक दिया माना है, जबकि डॉक्टर पांचाल सुल्तान बुरहान निज़ाम का शासन समय 1501 से लेकर 1553 तक मानते हैं। यानी शुरुआत के जो सन है उसमें थोड़ा अंतर है, जो समापन का काल है वो 1553 ही है। दोनों विद्वानों द्वारा सुल्तान के शासनकाल में भले समानता न हो, किंतु शाह अशरफ की रचना नौसरहार की रचना समय सुल्तान बुरहान निज़ाम शाह के शासन का ही था। शाह अशरफ द्वारा रचित नौसरहार की रचना 1504 में हुई। डॉक्टर साहब की पुस्तक में 2 सन दिए हुए हैं, मेरा ख्याल है वो प्रिंटिंग की अशुद्धि हो सकती है। 1501 जगह 3 है और एक जगह 4 हो गया है, तो 1504 ज़्यादा
उपयुक्त है। नौसरा निजामशाही के दौर की एक महत्वपूर्ण रचना है जो मसनवी शैली में करबला की घटनाओं को लेकर लिखी गई है। शाह अशरफ ने स्वयं की भाषा को हिंदवी कहा। नज्म लिखी सब मौजूआन, यो सब हिंदवी कर आसान, यह नौ बाबा नौसर हार, कीमत इसकी लाख हजार। बाबा दखनी का बहुवचन रूप है, इसलिए वो यह नौ बाबा बताते हैं। नौसर हार करबला की कथा के अतिरिक्त यजीद हुसैन और जैनब की कहानी भी है। शाह अशरफ के नाम से प्रायः पुस्तकों में उल्लेख है। उनका पूरा नाम सामने भी दिया है, शेख मोहम्मद अशरफ बयाबानी। नौसर हार में जो शब्दावली है उसमें अरबी और फारसी के साथ ब्रजभाषा है। तो शब्दावली रचना है, संभव है कथा प्रसंग करबला की शहादत से संबंध रखता है, अतः भाषा ने स्वयं कथानुरूप स्वरूप अनायास ग्रहण कर लिया हो। अल्लाह वाहिद हक सुभान, जिन पर सिरजा भूई आसमान। जैनब अहे उसका नाम, नैन जू बादाम, अजहद साहब हुसन जमाल, जीवा मौजू सूरत हाल। बारे इस मुलक हारे, उस दौर देसी औरत नाही होर। डॉक्टर श्रीराम शर्मा की पुस्तक दखनी का पद्य और गद्य, डॉक्टर रोहिताश जी यहाँ हैं, वो प्रकाश डाल सकते हैं। उन्होंने निजामशाही के रचनाकारों का कोई उल्लेख नहीं किया है उसमें, संभव है उस समय तक उपलब्ध ना हुआ हो उनको। तो उनके पुस्तक में निजामशाही के किसी भी शायर का या कवि का उल्लेख नहीं मिलता है। शाह आलम के अंत में मैं ये अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ ये कह के कि जो हसन शौकी हैं उनको निजामशाही का माना जाए या कुतुबशाही में, उनको उनकी भाषा पर अभी अम्बेसर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि उसमें चूंकि मराठी शब्दों का बाहुल्य है इसलिए उसको उसमें निजामशाही में शामिल कर लेते हैं। अहमदनगर की भाषा में मराठी का असर ज़्यादा है इसलिए। तो मेरा यही आपसे इतना ही वक्तव्य है, और मैं चाहता हूँ कि जो दखनी है, दखनी के लिए प्रयास इसलिए होना चाहिए कि वो हमारी धरोहर है, उसके संरक्षण के लिए हमको विश्वविद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों में और सिलेबस में दखनी साहित्य के प्रमुख जो रचनाकार हैं उनको सम्मिलित किया जाना चाहिए और दखनी के महत्व को प्रतिपादित किया जाना चाहिए। दखनी दक्षिण में ब्रजभाषा के समानांतर चलती है, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद।